लगभग खत्म होने वाला है। वे इसी की तलाश में तो निकले थे, एक दुर्लभ जल का गड्ढा। रेगिस्तान में इस तरह के जल के गड्ढे बहुत कम दिनों के लिए रहते हैं, बारिश होने के बाद ये बन जाते हैं और बहुत जल्दी ही सूख भी जाते हैं। यहां पर जानवर बहुत दूर दूर से आए हैं, लेकिन यहां रुके रहना खतरनाक हो सकता है। करीब 100 किलोमीटर दूर इस रेगिस्तान के मध्य में सैंड ग्राउस के बच्चे अंडों से निकल रहे हैं, उनके लिए यह सुरक्षित जगह है। लेकिन पानी से इतनी दूर होना जोखिम भरा है। तेज धूप से बचाने के लिए उनकी मां तो है, लेकिन अगर इन्हें पीने को पानी नहीं मिला तो कुछ ही घंटों में ये मर जाएंगे। उनके पिता ही उनकी उम्मीद है। ये हर सुबह 200 किलोमीटर की यात्रा करके अपने परिवार के लिए पानी लाता है। पूरे रेगिस्तान के ये सैंड ग्राउस इस छोटे से तालाब तक आते हैं। ये एक बड़े झुंड में आते हैं जो इनके लिए जरूरी भी है। सुरक्षा के लिए ज्यादा तादाद में होना ही अच्छा है। नर ज्यादा से ज्यादा पानी पी लेता है, लेकिन उसे अपने बच्चों के लिए भी पानी ले जाना है। अपनी छाती पर खास तौर से विकसित हुए पंखों द्वारा यह स्पंज की तरह पानी को सोख लेता है, लेकिन इसमें वक्त लगता है और खतरा सर पर मंडरा रहा है। गोशॉक यानी बड़े बाज, ये सैंड ग्राउस इनके मुख्य आहार हैं। सैंड ग्राउस अपने बच्चों की खातिर पानी सोखने के लिए बार बार अपनी जिंदगी जोखिम में डालते हैं। यही वजह है कि सैंड ग्राउस पानी के गड्ढों से दूर अपने घोंसले बनाते हैं। आखिरकार इससे जितना हो सकता था इसने उतना पानी सोख लिया। अपने वजन के एक चौथाई वजन के बराबर इसने पानी सोख लिया है। अब यह वापस घर की ओर अपनी लंबी यात्रा पर जाने के लिए तैयार है। ये सही वक्त पर वापस लौट आया है। इसके बच्चों को अपनी जिंदगी में पहली बार कुछ पीने को मिला। लेकिन इसे यह खतरनाक यात्रा हर रोज अगले 2 महीनों तक करनी होगी, तब तक जब तक इसके बच्चे अपनी पहली उड़ान भरकर पानी तक खुद न जा सकें।